हेलो, मैं एक और बार फिर से आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के गजब से और अनोखे से मिथ लेकर। हाँ, और ये मिथ मैंने पिछले हफ्ते डाले थे, पर मिथ दोनों के अलग रहेंगे। हाँ, मैंने वीडियो पिछले हफ्ते ऐसी डाली थी मिथ की, पर मेरा तो ऐसा दिल ही नहीं लगता है बिना मिथ के। तो चलो मैं जो मिथ की जो स्टार्ट करता हूँ, मजे लेना। हमारा जो पहला मिथ है ये है कि अगर हम लोग एक फॉक्स को जो है एक बूट्स पहनाते, वो ये वाले बताऊँ फ्रॉस्ट वॉल्कर वाले, तो जो हमारा जो फॉक्स रहेगा और वो जब वाटर के ऊपर चलेगा तो जो वाटर का वो भी बर्फ हो जाएगा। तो मेरे को तो वो विश्वास नहीं हो रहा। हम लोग पहनते हैं तो ऐसा होता है, पर फॉक्स के साथ पता नहीं है। तो अभी प्लेन वर्ल्ड में देखो, अभी इसको सबसे पहले फ्रॉस्ट वॉल्कर के जो डायमंड के बूट्स दे रहा हूँ। देखो भाई, ड्रॉप नहीं हुए, वापस से एक बार ट्राई करता हूँ, एक ले लिए और उसने ले भी लिए। तो चलो ना, अभी ट्राई करते सीधा वाटर में। ये हम लोग आ चुके वाटर के बाजू में, और भाई इसकी लीड क्यों निकल गई? अरे गलती से उसको मार गया। भाई रुक जा, अरे भाई अगर ये भाग गया ना भाई, मेरे डायमंड के बूट्स चले जाएंगे। भाई मेरे को डायमंड्स के बूट्स की बढ़िया रहने दो। ओके, अभी मैंने उसको लीच तो कर लिया है लीड से और थोड़ा सामने। और भाई देखो, मैंने बूट्स नहीं पहने हैं, नहीं तो आप बोलो कि मैंने पहने, इसने ही पहने हैं बूट, इसने ही अपने मुँह में वो बूट्स पहने हुए हैं। भाई माउथ में कौन पहनता है? ओके थोड़ा इसको और देखो भाई, ये पहुँच भी नहीं रहा, उससे पहले बर्फ़ बन जा रही है। तो हाँ, ये मिथ 100% कन्फर्म है, 101% कन्फर्म। हमारा सेकेंड मिथ है वो यह है कि जो हमारा स्ट्राइडर होता है, जो हमको नेदर में मिलता है, अरे मैंने गलती से फॉक्स फोन कर दिया। ओके, जो हमारा स्ट्राइडर होता है ना, अगर हम लोग उसको सिंपल लावा में डालते हैं तो सबको पता है कि उसको कुछ भी नहीं होता है, एक सिंगल डैम। भाई डॉग क्यों उसके पीछे पड़ा है? इसको मार देता हूँ यार। ओके, नो डॉग वेयर हार्म ड्यूरिंग दिस वीडियो। तो भाई ऐसे मजाक कर रहा था क्योंकि उसको मार देता फॉक्स को। ओके, तो जो हमारी लावा है, अगर हम लोग इसके अंदर स्ट्राइडर प्लेस कर मतलब स्पॉन करते हैं तो उसको डैमेज नहीं मिलेगा। भाई इसको पड़ रहा है। अरे ओके ओके ओके, मैं भी क्या पागल फन कर रहा हूँ। मेरे को जो है ना अपना वेदर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसको जो है ना वाटर के रेन की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, अभी तो देखो अभी रेन को चेंज कर दिए, तो अभी मैं इसका एक स्ट्राइडर को जो स्पॉन करता हूँ तो इसको डैमेज नहीं मिल रहा। हाँ, अभी मिथ ये है कि जो हमारा स्ट्राइडर होता है ना, अगर हम उसको कॉल्ड्रन वाली लावा में डालते हैं तो उसको डैमेज मिलेगा। भाई इंटरेस्टिंग सा, आओ देखते हैं। अभी मैंने कुछ इस तरीके से ग्लास का बना दिया। अभी मैं इसके अंदर एक स्ट्राइडर को जो है इसके अंदर स्पॉन करता हूँ। भाई अच्छे से करता हूँ, भाई नहीं हुआ कुछ, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। भाई मेरे को लगा हो जाएगा, पर ये मिथ तो हमारा बस्टेड है। रुको, और हमें अभी भी कुछ कर कह नहीं सकते क्योंकि जो बेबी स्ट्राइडर होता है ना, वो उसको शायद डैमेज मिले। और मैंने भाई इतने सारे स्ट्राइडर स्पॉन कर दिए पर उनमें से किसी एक को भी डैमेज नहीं मिल रहा। उसके अंदर बेबी स्ट्राइडर्स भी है, तो सही कह रहा हूँ, बस्टेड है ये मिथ। सेकेंड में थी है कि जो हमारी सॉल वाली फायर होती है ना, अगर हम लोग उसको इग्नाइट कर दें सॉल वाली फायर को, और जो हमारा वार्डन होता है उसको सॉल फायर से डैमेज मिलता है। मजाक नहीं कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। और देखते हैं सच्ची की झूठ। अभी मैंने यहाँ पे सॉल वाली फायर तो लगा दी। अब मैं काम करता हूँ, इसके आजू बाजू वॉल्स भी प्लेस करता हूँ। फायर के अंदर वार्डन को भी स्पॉन कर दिया, तो उसको कोई डैमेज नहीं मिल रहा है। हमारी इतनी सारी मेहनत सारी बर्बाद गई। मेरे को कन्फर्म जाकर कर, ये तो बस्टेड है। अभी जो हमारा ये वाला मिथ है, इसमें है कि अगर हम लोग बोट को जो टैग करते हैं, टैग तो नहीं मतलब जो हम लोग उसको बोट के ऊपर नाम लिखते हैं कुछ भी, तो जब हम लोग बोट के ऊपर बैठेंगे, जब हम लोग उसके ऊपर राइड करेंगे, हम लोग उसके हम उसको यूज़ करेंगे, तो तब जो उसके ऊपर ये नाम आएगा जैसे कि हम लोग नेम टैग से करते हैं। तो ओके भाई, मेरे को लगा हो गया पर गलती से नहीं हुआ। हाँ, अभी मैं इसका नाम सब्सक्राइब कर दूँ। हाँ, इसी बात पर आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब नामक चीज़ कर दिया करो। ओके, तो अभी मैं काम करता हूँ, सबसे थोड़ा वाटर डाल देता हूँ, थोड़ा सा ही डालता हूँ, ज़्यादा भी नहीं डालता हूँ। ओके, अभी मैं जो इसके अंदर बोट को प्लेस करता हूँ, भाई नहीं हो रहा है। ओके, वाटर में नहीं हो रहा है, भाई इस पर भी नहीं हो रहा है। भाई बस्टेड निकल गया यार ये। अब पिगी भी क्यों आके, ये दोनों आके बैठ गए, भाई ये बस्टेड निकल गया। अभी जो हमारा फोर्थ वाला मेथ है वो यह है कि अगर हम लोग कॉल्ड्रोन के अंदर भी हम लोग फिशिंग कर सकते हैं। भाई मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता हो जाए। बहुत देर रुकने के बाद
बहुत देर रुकने के बाद अब तक की कोई तो फिस्ट नहीं आई। जो पर सेकेंड मिथ वो इसके रिलेटेड है वो ये है कि अगर हम लोग कोल्ड्रोन के अंदर जो है फिश भी रिस्पॉन्ड नहीं कर, स्पॉन तो नहीं होता, वाटर वाली बकेट वाली फिश होती है ना, वो भी हम लोग कोल्ड्रोन के अंदर नहीं स्पॉन कर सकते। ओके अपने बकेट ऑफ ट्रॉपिकल फिश लिया, नहीं हो रहा है। मतलब कि ये मिथ तो सच्ची में बस्टेड नहीं है, बस्टेड नहीं है यार। बस जो हमारा एक था वो तो यही था कि हमारा उससे फिशिंग कर सकते, वो बस्टेड है। हाँ ये वाला कन्फर्म है। तो अभी हमारे ये लास्ट में थे वो ये है कि अगर हम लोग सिंपल पाउडर स्नो बकेट में जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना हम लोग उसको ऐसे डैमेज मिलना स्टार्ट होता है, क्योंकि ठंडी बहुत रहती है ना पाउडर स्नो बकेट में, तो आप ऐसे करके मर जाओगे। जो अगर हम लोग एक कोल्ड्रॉन प्लेस करते हैं और कोल्ड्रॉन के अंदर पाउडर स्नो बकेट डालते हैं और अगर हम लोग उसके अंदर जाएंगे तो हमको कुछ भी डैमेज नहीं मिलेगा भाई। ये कैसा मिथ था भाई? और हाँ ये मिथ सच्ची में कन्फर्म है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। वो हम लोग वो सिंपल पाउडर स्नो बकेट में जा रहे हैं तो डैमेज मिल रहा है, और वहाँ पे अगर कोल्ड्रॉन इसमें जा रहे हैं तो नहीं मिल रहे। हाँ वैसे एनुअल के साथ साथ अभी कोल्ड्रॉन की बेइज्जती वगैरह चालू हो गई है। तो भाई लोग आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर दिया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आज के दिन का बाय।